हे गाइस, इस रूम बात करेंगे पीएम आवास योजना के न्यू लिस्ट आप किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को बने रहे गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस देख सकते हैं आपको इस तरह से यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, ऊपर में सर्च का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। तो चलिए गाइस उस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद गाइस वहाँ पर सर्च मारना है rhreportingnic.in और हम सर्च मारेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम डायल कर लिया। डायल करने के बाद क्या करें, हम सर्च मारेंगे। गाइस जैसे ही सर्च मारे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, वैसे इस वेबसाइट का लिंक जो गाइस हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो चलिए गाइस इस वेबसाइट पर आने के बाद नीचे हम देख सकते हैं कई सारे आपको ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, ABC करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस थोड़ा नीचे चलेंगे और पर एफ वाले में आपको आ जाना है, देख सकते हैं। तो गैस थर्ड नंबर में देख सकते हैं बेनिफिशियरी आपको दिखने को मिल जाएगा। तो क्या करें, उस पर क्लिक करना है थर्ड नंबर पे। गैस जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आपको दिखने को मिल जाएगा। तो गैस यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है एयर्स आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए गैस उस पर हम क्लिक करते हैं। गैस जैसे उस पर क्लिक करिएगा तो जो न्यू लिस्ट निकालने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 2023 से 2024 आपको दिखने को मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करना है। तो चलिए गैस 2024 पर हम क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद गैस नीचे में आप कौन सा योजना का लिस्ट निकालना चाहते हैं वो आपको दिखने को मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करिएगा तो सबसे ऊपर में आपको दिखने को मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उस पर क्लिक करना है। तो चलिए गैस उस पर हम क्लिक करते हैं। गैस जैसे ही उस पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपको दिखने को मिल जाएगा। तो नीचे में देख सकते आप अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए गैस यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गैस यहाँ पर देख सकते आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो गैस यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए गैस यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। गैस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो डिटेल्स आपका मांगा जाएगा तो गैस सभी को यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए गैस यहाँ उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है ग्राम पंचायत आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर वो भी अपना पंचायत भी अपना सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए गैस ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे नीचे में आपको कैप्चा का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है गैस यहाँ पर हम कैप्चा को फिल करेंगे। तो चलिए गैस यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करके सब कुछ और यहाँ पर हम कैप्चा फिल करते हैं। गैस कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे में सबमिट का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा और सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए गैस यहाँ पर सबसे पहले हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद गैस नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, तो उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा और गैस नीचे थोड़ा आइएगा तो आपका जो है पीएम आवास योजना का लिस्ट जो है गैस आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखने को मिल जाएगा, बेनिफिशरी नेम आपको दिखने को मिल जाएगा। तो गैस अपना नेम जो है आप अपना चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए गैस यही एक छोटा इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।